हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एग्जामपुर और आप लोगों का स्वागत है यूजीसी क्लासेस बाय एग्जामपुर के चैनल पर सो so, आज फिर से आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हैं और एनटीए यूजीसी नेट कॉमर्स के पेपर के अंदर पूछे गए हैं सो एज यू कैन सी कि हम लोगों ने अब तक 2011 तक के पेपर्स को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं दैट इज जून 2012 तो जून 2012 के अंदर जो भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑन द यूनिट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट उसको हम लोग करेंगे लेकिन आज की क्लास में फिर से आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे कि हमने 2011 तक जितने भी पेपर किए उनमें ओनली पेपर 2 जो था वहां पर सिर्फ वो वहां पर क्या था ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप था और जो थर्ड पेपर था वो सब्जेक्टिव था लेकिन 2012 से क्या हो गया आपका पेपर टू एंड पेपर थ्री दोनों ही यहां पर क्या हो गए आप के ऑब्जेक्टिव हो गए तो इसी से हम लोगों का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हम लोगों को अब ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सी सोल्व करने को मिलेंगे और यू कैन से हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेगी तो कॉमर्स वालों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगी और जो एचआरएम लेबर लॉस के जो कोड 55 के स्टूडेंट है उनके लिए ये सभी क्वेश्चन एक बहुत अच्छा स्टोर हाउस बन सकता है एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ का और सेम ऐसे ही मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स का ठीक है तो चलिए फिर इसी के साथ आज की हमारी क्लास को शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहला हमारे यहां पर जो क्वेश्चन है वो है मैच द लिस्ट का मीन्स आपसे लिस्ट वन यहां पर दी गई है लिस्ट टू दी गई है लिस्ट वन के अंदर कुछ फिलोसफी कुछ प्रिंसिपल्स कुछ बुक्स और कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम दिए गए हैं तो आपको यहां पर डिसाइड करना है कि ये जो फिलोसफी या कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये लिस्ट टू में से किसने दिए हैं? ठीक है तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को मिलकर सॉल्व करते हैं सबसे पहला जो लिस्ट वन के अंदर पॉइंट है दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट सो अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले चार पांच एग्जाम जो हमने सोल्व किए हर एक एग्जाम एक के अंदर द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया चाहे वो आपसे एमबीओ का पूछा गया चाहे वो पीटर एफ ड्रकर का पूछा गया तो आपसे किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में वहां पर क्वेश्चन पूछा गया तो द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो है ये किसने दी है ये पीटर एफ ड्रकर ने दी है तो जैसे ही ए का मैच फोर हो जाएगा यहां पर तो हमारा ए और डी जो है वो यहां पर क्रॉस हो जाएगा और एक और बात ध्यान से सुन लो बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर टू के अंदर आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया जिस कंसेप्ट पर वही सेम आप लोगों से आ, कंसेप्ट पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर थर्ड के अंदर भी पूछा गया तो आप लोगों को इस बात का भी यहां पर ध्यान रखना है तो ए का मैच जैसे ही फोर हुआ तो आप लोग देखेंगे सी के मैच सी uh, ऑप्शन के अंदर भी मैच जो है ए का वो फोर है फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट जो है ये दी है ओलिवर शेल्डन ने तो बी का मैच हो जाएगा यहां पर थ्री साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने कितनी बार पढ़ लिया फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताइए कौन है एफ डब्ल्यू टेलर है तो सी का मैच जैसे ही टू होगा सी का मैच जैसे ही टू होगा आप लोगों का आंसर यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है उसके बाद अगर आपको देखना है तो आप डे का मैच देख सकते हैं अदरवाइज इफ यू वांट टू सेव योर टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन स्किप द क्वेश्चन हियर और फटाफट से बी इसका आंसर करके आप फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप कर सकते हैं जनरल और इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है ये लिखी है हेनरी फ्योल ने जिन्होंने फोर्टीन प्रिंसिपल्स भी दिए हैं अब ये जो आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पर दे रही हूं एमबीओ के बारे में दी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज गिवन बाय पीटर एफ ट्रकर एंड दिस कंसेप्ट इज डिस्क्राइब इन हिज बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट और इन दोनों पर ही आगे चलकर क्वेश्चन आएगा तो देखते हैं आप लोग उसको कितने अच्छे से सोल्व कर पाएंगे सो फोर थ्री टू वन इज द राइट आंसर ट्वेंटी वन और आज के क्वेश्चन में आप लोग को बहुत अच्छे से और जल्दी जल्दी समझाऊंगी क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन को समझना है लेकिन अगर आप में से किसी स्टूडेंट को धीरे धीरे चीजों को समझना है तो आप लोग वीडियो की स्पीड को कम करके भी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेक्चर्स को देख सकते हो सेकेंड क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है आइडेंटिफाई मतलब पहचानो द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्विंग प्लानिंग प्लानिंग के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं तो आपको उन सभी स्टेप्स यहाँ पर आपको प्लानिंग के स्टेप्स दिए गए हैं पांच पॉइंट दिए गए और पांचों ही प्लानिंग के स्टेप है आप लोगों को ये देखना है कि पांचों स्टेप्स की जो राइट सिक्वेंस होगी वो क्या होगी ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सेकेंड पॉइंट इज एस्टैब्लिशिंग द सिक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज थर्ड इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फोर्थ इवेल्यूवेटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज एंड पॉइंट फिफ्थ इज डिटरमाइनिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज तो इसका ऑर्डर हम लोग मिलकर बनाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारा राइट आंसर एबीसीडी में से क्या होगा देखो जब भी आप प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव्स को उद्देश्य को डिसाइड करते हैं ना कि व्हाट विल बी योर ऑब्जेक्टिव्स फॉर नेक्स्ट फाइव ईयर या फॉर नेक्स्ट वन ईयर तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव तो दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप तो आप लोग देखेंगे कि तीसरे पॉइंट पर जो स्टेप है वो हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा प्लानिंग प्रोसेस का तो जैसे ही थर्ड हुआ वैसे ही आप लोगों का ए और सी क्रॉस हो गया मतलब अब हमें बी और डी में से ऑप्शन अपना चूज करना है आपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर दिया फाइनलाइज कर दिया भाई ये हमारे ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करने हैं उसके बाद आप क्या करेंगे आप डिटरमाइन करेंगे अल्टरनेटिव कोर्सेज भाई इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें किन-किन कोर्सेज -किन का मींस कौन कौन से सोर्सेस से या कोर्सेज से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं तो उन सभी अल्टरनेटिव्स को यहां पर आप देखोगे तो इस तरीके से आप लोगों का यहां पर जो आ, जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दैट इज आप लोगों का फिफ्थ हो जाएगा ठीक है डिटरमाइनिंग है ना फिफ्थ हो जाएगा तो थ्री फाइव हमने देखा कि अभी भी बी और डी के अंदर है उसके बाद आपने ये जो भी अल्टरनेटिव यहां पर आइडेंटिफाई किए अब आप ये देखोगे कि इन अल्टरनेटिव में से मेरे लिए बेस्ट अल्टरनेटिव यहां पर क्या रहेगा तो उसके लिए आप यहां पर करेंगे इवेल्यूवेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज तो अब यहां पर कंफ्यूजन पता है स्टूडेंट्स क्या बनता है अब आप देखो मान लो आप में से किसी को भी पांचों यहां पर स्टेप्स एक करेक्ट सिक्वेंस में नहीं पता लेकिन आपको यह पता है कि जब भी आप प्लानिंग करते हो तो उसमें सबसे लास्ट जो स्टेज होता है वो सिलेक्शन का ही होता है ना मतलब फाइनली आप सिलेक्ट ही करोगे ना तो अगर हम ध्यान से देखें सिलेक्शन जो होगा ये हमारा सबसे लास्ट स्टेप होगा और सबसे लास्ट स्टेप जो है यहां पर हमारा वन दिया गया है ठीक है अब यहां पर हम देखें थ्री फाइव फोर मीन्स इवेल्यूवेशन करना इवेल्यूवेट करना अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को ये किस में दिया गया है ये ऑप्शन बी में दिया गया है ठीक है तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी क्योंकि आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है आप ये देखते भी हमारे लिए कौन सी डायरेक्शन सही रहेगी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए देर कैन बी टू और मोर डायरेक्शन जिनकी हेल्प से आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो लेकिन आपके लिए उनमें से सबसे अच्छी कौन सी रहेगी तो वो आता है इवेल्यूएशन में और इवेल्यूएस जो है फोर्थ पॉइंट ये बी ऑप्शन के अंदर दिया गया है तीसरा स्टेप तो यही हमारा आंसर होगा उसके बाद हो जाएगा एस्टेब्लिशिंग द सिक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज में क्या क्या एक्टिविटीज होंगे और फाइनली फिर सिलेक्ट करना तो थ्री फाइव फोर टू वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लानिंग प्रोसेस ठीक है तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन यहां पर सोल्व करना है ये जो क्वेश्चन है ना इसको थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाकर थोड़ी सी अपनी प्रीवियस नॉलेज को इवन अगर आप अपनी थोड़ी सी यहां पर हल्की सी भी कॉमन सेंस को इंटेलिजेंस लेवल को यूज कर लोगे देन आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाओगे देखो असरसन यहां पर क्या कहा गया है वन कैन बी श्योर अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस बाई मेकिंग गुड प्लान भाई एक जो पर्सन है वो सुनिश्चित कर सकता है अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को भाई फ्यूचर में क्या क्या चीजों से किन किन अपॉर्चुनिटीज से वो फायदा उठा सकता है बेनिफिट ले सकता है तो इस कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर वो सुनिश्चित हो सकता है श्योर sure हो सकता है बाई मेकिंग गुड प्लान भाई अगर आपने अच्छे प्लान बनाए हैं अपने पास्ट इवेंट्स को ध्यान में रखकर चीजों को अच्छे से एनालिसिस करके आपने प्लानिंग की है फ्यूचर एक्शंस के लिए तो यही गुड प्लान्स जो होंगे जो कहीं ना कहीं आपको श्योरिटी देंगे कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पर अचीव होंगे तो बताइए यहाँ पर assertion क्या होगा तो assertion बिल्कुल करेक्ट है ठीक है अब रीजन को डिस्कस करते हैं रीजन ये कह रहा है कि प्लानिंग ब्रिंग्स सर्टेनिटी इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्या फ्यूचर के बारे में कोई भी चीज सर्टेन हो सकती है देखो आप ऐसा है कि आप अगर प्लानिंग कर लोगे तो आप फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज है उनसे थोड़ा सा लड़ पाओगे उनसे थोड़ा सा कंपीट कर पाओगे लेकिन आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लो आप कितने भी अच्छे कोर्स ऑफ एक्शन बना लो भाई फ्यूचर को लेकर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आंट्रप्रोर सर्टेन या और यू कैन से सर्टेनिटी वहां पर नहीं आ सकती निश्चितता वहां पर नहीं आ सकती तो यहां पर ये जो सर्टेनिटी वाली बात कही गई है कि भी प्लानिंग जो है वो निश्चितता लेकर आती है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कंपटीशन में बने रह सकते हो लेकिन सर्टेनिटी जो है वो नहीं आती ठीक है आप श्योरिटी कर सकते हो वहां पर लेकिन सर्टेनिटी नहीं आएगी और इसी के लिए रीजन बिकम्स रॉन्ग हियर तो रीजन जो है यहां पर बिल्कुल गलत हो जाएगा तो अब अगर हम ध्यान से देखें असरसन इज करेक्ट एंड रीजन आर इज नॉट करेक्ट इज इन द ऑप्शन बी और ऑप्शन बी हमारे यहां पर एब्सोल्यूटली बिल्कुल गलत है रीजन जो है और ए क्या है करेक्ट है तो ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है तो वही मैं कहती हूं कि एक्चुअल में जो एग्जामिनर ने पूछा है आप उनको चीजों को समझना है और तभी आप लोगों को आंसर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस विच वन इज नॉट अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इवन ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का पेपर वन जनरल पेपर के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको यह बताने डेविस के द्वारा इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है और यू कैन से कम्युनिकेशन के अंदर बाधा उत्पन्न नहीं करता ठीक है ऑप्शन ए फिजिकल बैरियर ऑप्शन बी टेक्नोलॉजिकल बैरियर ऑप्शन सी पर्सनल बैरियर एंड ऑप्शन डी लिंग्विस्टिक बैरियर पर्सनल को और लिंग्विस्टिक को एक बार समझो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है पर्सनल बैरियर का मतलब यहाँ पर होता है कि कई बार जो मैनेजर्स या बॉस होते हैं वो पर्सनल पर्सनल का का पर अपनी झगड़ों यूज करती हैं अपने की जब वहां पर वो कम्युनिकेशन करती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो पर्सनल बैरियर जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर क्या है नहीं है ठीक है तो इसने कहा है कि इज नॉट अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन तो बैरियर जो नहीं है टेक्नोलॉजिकल बैरियर नहीं है बाकी सारे के सारे बैरियर जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर है भाई टेक्नोलॉजी का क्या भरोसा किसी भी टाइम वो पास और फेल हो सकते हैं लेकिन आप पर्सनल बायसनेस को खत्म कर सकते हो लिंग्विस्टिक बैरियर भी है ठीक है आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हो लेकिन सामने वाला जो पर्सन है भाई वो हिंदी समझता है या फिर आप हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हो वो इंग्लिश समझता है तो लिंग्विस्टिक बैरियर भी वहां पर हो सकता है फिजिकल बैरियर वहां पर हो सकता है बट टेक्नोलॉजिकल बैरियर इज नॉट अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस तो देखो यहां पर कीथ डेविस ने ऐसा कहा है कि टेक्नोलॉजिकल बैरियर कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह नहीं है आपको कीथ डेविस के अकॉर्डिंग यह पॉइंट याद रखना है ठीक है यह जनरल पॉइंट नहीं है यह अकॉर्डिंग टू द पर्सन आपको याद रखना है लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन डायरेक्ट है देखो जरूरी नहीं है जो लेंदी क्वेश्चन हो का सरसन रीजन का वो डिफिकल्ट हो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है और मैच का क्वेश्चन बहुत ईजी हो सकता है तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया वाइल जब एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन जब आप मास्लो नीड हिरारकी के बीच में और हर्ज वर्ग की हाइजिन थ्योरी के बीच में एक रिलेशन को बनाते हो एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हो इन दोनों थ्योरी के बीच में विच नीड्स मतलब वो कौन सी जरूरतें वो कौन सी नीड्स हैं नीड हिरारकी थ्योरी की जो कि फॉल होती हैं जो कि हर्ज वर्ग की कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है हाइजीन कैटेगरी के, के अंदर आती है मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करी क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसने ये कहा है कि जब आप मासलो की नीड हिरार की थ्योरी के बीच में और जब आप हर्जबर्ग की हाइजीन थ्योरी के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करते हो तो मासलो नीड हिरार की थ्योरी की वो कौन सी नीड है जो कि हर्जबर्ग की, हर्जबर की हाइजीन फैक्टर्स के अंदर आती है ठीक है ऑप्शन ए सेल्फ एक्चुलाइजेशन एस्टीम एंड सोशल नीड सबको याद है ना मास्लो नीड हिरार की थ्योरी के अंदर टोटल फाइव नीड थी फिजियोलॉजिकल सेफ्टी सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑप्शन बी एस्टीम सोशल एंड सेफ्टी नीड ऑप्शन सी सोशल सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल नीड ऑप्शन डी ओनली सोशल नीड देखो जहां जहां पर भी आपको फोर्थ और फिफ्थ नीड दिखाई दे दैट इज एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड एस्टीम और सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड जो होती है ये एक्चुअल में एक एम्प्लॉई के लिए लॉन्ग मोटिवेटर का काम करती है तो जहां पर भी आपको एस्टीम सेल्फ एक्चुलाइजेशन ठीक है या फिर आप लोगों को ओनली uh, सोशल दिखाई दे तो भी आपका आंसर नहीं होगा और जिस ऑप्शन के अंदर एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा वो भी आपका आंसर नहीं होगा अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम आपका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और जो आप लोग की एस्टीम नीड है वो एक्चुअल में मोटिवेशनल फैक्टर के अंतर्गत आएगी हर्जबर्ग हाइजीन थ्योरी के लेकिन इन्होंने क्या पूछा मैंने आप लोगों से पूछा है कि हाइजीन फैक्टर के अंतर्गत कौन सी आएगी तो जब सेल्फ एक्चुलाइजेशन और एस्टीम नीड चली गई मोटिवेशनल फैक्टर के अंदर तो हाइजीन फैक्टर के अंदर आएगी सोशल सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल नीड मीन्स ये वो नीड है जो कि एक पर्सन को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मोटिवेट करती है ठीक है लेकिन जबकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मोटिवेट करती है तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मोटिवेट करती है फिजियोलॉजिकल सोशल और सेफ्टी नीड इसीलिए इनको हाइजीन फैक्टर में रखा गया क्योंकि हाइजीन फैक्टर भी कौन से थे जो कि आपको थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट करेंगे उसके बाद तो आपको एडवांसमेंट रिकोगशन स्टेटस ये चीजें मोटिवेट करेंगी तो सिर्फ थ्योरीज को पढ़ना नहीं है बल्कि उन थ्योरीज के बीच में आपको सिमिलैरिटी और कंपैरिजन भी करना आना चाहिए वो दिन गए भाई जब आपको डायरेक्ट थ्योरी का थ्योरिस्ट का नाम पूछा गया भाई ये थ्योरी किसने दी अब तो आप लोगों से कंपैरिजन इनके क्रिटिसिजम्स वगैरह पे बहुत अच्छे क्वेश्चन सेट होते हैं तो इस क्वेश्चन को दिमाग में फिक्स कर लो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन है टू मैनेज पढ़ो क्वेश्चन को एक बार टू मैनेज अ बिजनेस वेल इज टू मैनेज इट्स फ्यूचर मतलब बिजनेस को मैनेज करने का मतलब होता है बिजनेस को आप किस लिए मैनेज करते हो भी आप फ्यूचर के लिए मैनेज करते हो ना सो so दैट आप फ्यूचर में अच्छे अच्छा अच्छा प्रॉफिट कमा सको और अच्छे से वहां पर अपने कस्टमर को गेन कर सको तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि मैनेज का मतलब होता है भी आप कंपनी के फ्यूचर को मैनेज करो मतलब टू मैनेज इज टू मैनेज इट्स फ्यूचर किसका कंपनी का और फ्यूचर इज टू मैनेज इंफॉर्मेशन इज टर्म डेज और फ्यूचर को मैनेज करने का मतलब है भाई आपको इंफॉर्मेशन को मैनेज करना पड़ेगा आपको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा फिर आपको वही इंफॉर्मेशन आपको मैनेज करनी पड़ेगी तो उन सभी इंफॉर्मेशन को आप किसकी हेल्प से मैनेज करते हो उन सभी इंफॉर्मेशन को आप कैसे मैनेज करते हो ऑप्शन ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से जिसको शॉर्ट में एम आई एस भी बोला जाता है और कई बार आप लोगों से इस एम आई एस की फुल फॉर्म भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है नेक्स्ट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सी इज फ्यूचर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डी इज जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम अब बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देंगे कि फ्यूचर के बारे में बात हो रही है तो फ्यूचर इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा फ्यूचर इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई ऐसा होता ही नहीं है सिस्टम ठीक है जब आप कंपनी के मैनेजमेंट की बात करते हो फ्यूचर के लिए तो उस फ्यूचर के लिए जो आप इन्फॉर्मेशन को मैनेज करते हो तो वो आप करते हो विद द हेल्प ऑफ एम आई एस इवन एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप कंपनी की इंफॉर्मेशन को क्या करते हो मैनेज करते हो तो ऑप्शन ए बिकम्स द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन ए हमारा यहां पर हो जाएगा राइट आंसर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन विच फोर आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन में से देखो आपको पांच पॉइंट दिए गए हैं यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव आपको यह बताना इन पांचों में से आपको चार चूज करनी है कोड्स के अंदर इन पांचों में से वो कौन से फोर फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं जो कि प्रभावित करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ठीक है तो आप लोगों को हिंट दे देती हूँ इन पांचों में से कोई ना कोई एक पॉइंट जो है वो पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में जाता है ना कि इन्फ्लुएंस करने के कॉन्टेक्स्ट में ठीक है तो देखो पॉइंट क्या कहता है साइज ऑफ वर्क फोर्स भाई आपकी कंपनी का जो वर्क फोर्स का जो साइज है भाई जितने ज्यादा एंप्लॉई आपकी कंपनी के अंदर होंगे उतना ही वो आपकी कंपनी को इन्फ्लुएंस ज्यादा करेंगे भाई ज्यादा एंप्लॉई तो ज्यादा नंबर में वहां पर क्या होगा इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन भाई आपका एम्प्लॉय आपसे जितनी ज्यादा उम्मीद करेगा जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन करेगा वहां पर क्या होगा कहीं ना कहीं वो आपके एच को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा कंपोजिशन ऑफ वर्कर हो गया ठीक है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भाई पॉलिट जो हमारे लीगल जो कानून होते हैं वहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं कंपनी को लेकर ह्यूमन रिसोर्स को लेकर ठीक है इवन जो जॉब या प्लेसमेंट वगैरह होती है उसमें रिजर्वेशन सिस्टम होता है तो इन चीज़ों की वजह से भी क्या होती है भाई एक ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस होती है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी भाई आज आपने अपनी कंपनी के अंदर एक अच्छी सी टेक्नोलॉजी लेकर आए थे पैसा लगाया था एक साल बाद नई टेक्नोलॉजी आ गई फिर से आपको पैसा लगाना पड़ेगा तो टेक्नोलॉजी भी आपकी कंपनी को क्या करती है इन्फ्लुएंस करती है तो इन पांचों में से जो चार कंपनी को इन्फ्लुएंस करते हैं आप लोगों को एक्चुअल में उन चारों को चूज करना है ठीक है तो देखो साइज ऑफ द कंपनी करती है भाई एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशन करती है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करता है और चेंजेस इन टेक्नोलॉजी भी कंपनी को इन्फ्लुएंस करते हैं बट अगर हम लोग बात करें यहां पर कंपोजिशन ऑफ वर्कर जो है ये कंपोजिशन ऑफ वर्क भाई जब वर्क फोर्स कंपोजिट होकर एज अ टीम वर्क वहां पर काम करेगा तो आपकी कंपनी को इन्फ्लुएंस थोड़ी ना करेगा बल्कि वो तो आपको बेनिफिट है भी आपका ह्यूमन रिसोर्स मिलकर काम है तो कंपोजिशन ऑफ वर्क फोर्स ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन को तो जहां पर भी आपको थ्री दिखे ठीक है जहां पर भी आपको थ्री दिखे वो आप लोगों का आंसर नहीं होगा क्योंकि कंपोजिशन ऑफ वर्कर ये वो एलिमेंट नहीं है जो कंपनी को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा तो इसीलिए हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी वन टू फोर फाइव वो चार एलिमेंट है जो कि कंपनी को इन्फ्लुएंस करेंगे ठीक है तो इस तरीके से भी आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो नेक्स्ट भाई अगेन असर्सन एंड रीजन का क्वेश्चन है पेपर टू के अंदर ना दो जून 2012 के अंदर पेपर टू के अंदर आप लोगों से कहीं ना कहीं आप थोड़े लेंदी और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन जब हम पेपर थर्ड को सोल्व करेंगे तो वो थोड़े से इजी क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन उठाए गए तो इनको अच्छे से समझ लो तो हो सकता है पेपर टू के अंदर अच्छे से समझ लोगे तो पेपर थर्ड के क्वेश्चन को वैसे ही सोल्व कर दोगे क्या कहता है हाँ पर समझो वन कैन नॉट बी श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ अप्रेजल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस मीन कोई एम्प्लॉ दस साल काम करके गया और कोई एम्प्लॉ देखो ए जो एम्प्लॉय है भाई इसने कंपनी के अंदर पांच साल काम किया और बी जो एम्प्लॉय साल काम किया अब क्या किसी एम्प्लॉय की सर्विस की लेंथ से आप पता कर सकते हो कि वो कितना अच्छा उसने काम किया कितनी अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी लेंथ ऑफ सर्विस पर डिपेंड नहीं करेगा कि एक एम्प्लॉय ने कितना अच्छा काम किया हो सकता है इसने पांच साल में कंपनी को इतनी ज्यादा ग्रोथ दे दी हो जो कि ये जो पर्सन है ये दस साल में ना दे पाया हो तो कभी भी एक पर्सन सुनिश्चित नहीं कर सकता अप्रेजल की क्वालिटी को किसी पर्सन की सर्विस की लेंथ पर ठीक है तो ये हो गया असरसन डिसाइड करो असरसन करेक्ट हो गया नहीं होगा मैंने आप लोगों को समझा दिया अब यहां पर रीजन क्या कह रहा है कि इनिशियल अप्रेजल भाई जैसे ही आप कंपनी के अंदर आए आपकी ज्वाइनिंग हुई उस टाइम पे जो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी उसमें और प्रमोशनल अप्रेजल जो मतलब आपने कंपनी के अंदर काम कर लिया अब कंपनी आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगी और यह देखना चाहते कि आप प्रमोट करने के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट है या नहीं है तो इनिशियल जो अप्रेजल होती है और प्रमोशनल जो अप्रेजल होती है उनको सेपरेटली मतलब अलग अलग किया जाता है ओबे सी बात है एंड डिफरेंटली और अलग तरीके से किया जाता है सिंस द लेंथ ऑफ सर्विस इज डिफरेंट क्योंकि भाई जब आप आए थे कंपनी के अंदर कुछ दिन आपने काम किया था लेकिन प्रमोशन के लिए जो अप्रेजल होगा उसमें आपने हो सकता है दो तीन साल के लिए काम किया हो तो वो जो लेंथ में डिफरेंस है उसकी वजह से इनिशियल अप्रेजल और प्रमोशनल अप्रेजल के अंदर क्या होगा अलग अलग तरीके से उनको किया जाएगा तो रीजन तो देखो बिल्कुल करेक्ट है मुझे आप लोगों से पूछना है असरसन के बारे में असरसन मैंने समझा दिया बताओ ये सही है या गलत भाई एक पर्सन सुनिश्चित नहीं हो सकता एक पर्सन की परफॉर्मेंस को लेकर इस बात पर कि उसने कितना लंबा काम किया है लेंथ ऑफ द सर्विस पर डिपेंड नहीं करता उसकी परफॉर्मेंस अच्छी या बुरी होना ठीक है तो ये हमारा बिल्कुल राइट है दोनों ही स्टेटमेंट्स यहां पर बिल्कुल सही है अगर यहां पर नोट नहीं होता ना अगर यहां पर नोट नहीं होता तो असरसन बन जाता गलत क्योंकि फिर आप ये कहते भाई हम बिल्कुल सुनिश्चित कर सकते इसका मतलब तो जिसने दस साल काम किया उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ही रही होगी और जिसने पांच साल किया उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही होगी ठीक है तो नोट की वजह से ही ये स्टेटमेंट यहां पर सही हुई है बोथ आर करेक्ट असरसन एंड रीजन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इनमें से कौन कौन से जो कंसेप्ट है वो एच आर एम के अंदर आते हैं एच आर एम के अंदर इनमें से कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स आते हैं फिर आपको फाइव यहाँ पर कॉम्पोनेट्स दिए गए हैं पांचों ही एलिमेंट्स को पढ़ने के बाद यू हैव टू डिसाइड कि इनमें से कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आते हैं ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड मीनस यहां पर आप ये देखेंगे कि आपको कितने ह्यूमन रिसोर्स की यहां पर जरूरत है ठीक है फोरकास्ट का मतलब होता है एस्टिमेट लगाना रिप्लेसमेंट प्लानिंग ठीक है पहला पॉइंट तो है इंक्लूडेड रिप्लेसमेंट प्लानिंग का भी इस एम्प्लॉय को उस एम्प्लॉय की जगह पर रिप्लेस कर दो और उसको इसकी जगह पर रिप्लेस कर दो या फिर कई बार ये भी हो सकता है कि आपको अब कंपनी में रिप्लेस किया जा रहा है विद अदर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको निकाला जा रहा है तो ये भी इंक्लूडेड है तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स डायनामिक भाई ह्यूमन रिसोर्स के अंदर चेंजेस होते रहते हैं ठीक है जो ह्यूमन है जो एम्प्लॉय वो आते जाते रहते हैं तो ये भी इंक्लूडेड है उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग ठीक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग भाई आप जो ह्यूमन रिसोर्स एचआरडी की जो प्लानिंग करते भाई आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स को क्या क्या ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम देने हैं तो ये भी आप लोगों का एच के अंदर इंक्लूडेड है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट क्या होता है प्लीज इसको समझ लो आप लोग ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर है ऑडिट का मतलब क्या होता है चेक करना ठीक है अब आप ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट की बात कर रहे हो तो दैट मीन्स आपका ये जो ह्यूमन है ये जो ह्यूमन रिसोर्स है आप इसको ऑडिट करोगे मीन्स इस ह्यूमन रिसोर्स के लिए आपने जो भी प्रोसेसेस जो भी प्रैक्टिस आप लोगों ने फाइनल की थी आप उन सभी प्रोसेसेस और प्रैक्टिस को क्या करोगे ऑडिट करोगे चेक करोगे कि वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है परफॉर्मेंस सही चल रही है या नहीं चल रही है तो ये सारे ही यहाँ पर क्या होंगे भाई एच के अंदर इंक्लूडेड है प्लानिंग भी रिप्लेसमेंट प्लानिंग भी ह्यूमन रिसोर्स डायनामिक भी एचआरडी प्लानिंग भी और एच ऑडिट भी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एट द इनिशियल स्टेज द इंडियन आई टी कंपनी भाई जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो यहां पर कंपनीज होती है जो आई टी कंपनीज होती है ठीक है आई टी कंपनी जो होती है वो सबसे ज्यादा रिलाय मतलब डिपेंड करती हैं अपनी कंपनी के अंदर मैं इस क्वेश्चन के सेंस आप लोगों को समझा देती हूं एक बार देखो इसने पूछा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एट द इनिशियल स्टेज द इंडियन आई टी कंपनीज रिलाइंग मोर फॉर गेटिंग गुड आई टी प्रोफेशनल भाई इंडियन आईटी जो कंपनीज होती हैं वो अच्छे-अच्छे प्रोफेशनल्स को गेट करने के लिए इनिशियल स्टेज पर भाई अभी-अभी उन्होंने एक कंपनी खड़ी की है कुछ ही साल हुए तो उस टाइम पर इनिशियल स्टेज जो होती है उस टाइम पर वो अच्छे-अच्छे प्रोफेशनल्स को गेट करने के लिए वो कौन से सोर्स का सहारा लेती हैं ऑप्शन ए जॉब पोर्टल ठीक है जैसे आप लोगों ने सुना हुआ मॉन्स्टर डॉट कॉम के बारे में इंडीड के बारे में नौकरी डॉट कॉम के बारे में सो so ये सारे जॉब पोर्टल हैं जहाँ पर रिक्रूटर्स जो होते हैं भाई वो अपनी जॉब की वहाँ पर डाल देते हैं हमारी कंपनी के अंदर ये ये पोस्ट है और जो जॉब जो सीकरस होते हैं वहाँ से वो उन जॉब्स को देख कर सीख का मतलब क्या होता है देखना जॉब सीकर जो होते हैं वहाँ से वो उन एप्लीकेशन को फिल कर देते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज कौन सी होती है अभी जो कि एक कंपनी को एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करती है कैंपस प्लेसमेंट भाई आप डायरेक्टली ठीक है आप डायरेक्टली आई के अंदर जाओगे मतलब उन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर जाओगे और वहां से आप डायरेक्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको गेन करोगे तो यहां पर जब हम बात करते हैं इनिशियल स्टेज की तो वहां पर सबसे ज्यादा जो आईटी कंपनीज यूज करती हैं दैट इज कैंपस प्लेसमेंट ठीक है कैंपस प्लेसमेंट मतलब वो जो वो जो कॉलेज वो जो कैंपस होता है जहां पर भाई वो बच्चे वो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वहां से एक्चुअल में वो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स को गेट करते हैं याद रखना इसको कहीं ऑल ऑफ दो करके आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रहेगा एक बार स्टेटमेंट्स को पढ़ो हमारा क्या आंसर रहेगा इसका स्टेटमेंट वन क्या कह रही है यहां पर लेबर ऑलवेज गेट अ मेजर शेयर ऑफ प्रोडक्टिविटी गेन्स ठीक है भाई लेबर लेबर जो है मान लो ने आपकी वर्कर्स ने बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाली बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन निकाला अच्छा कंट्रीब्यूशन वहां पर दिया तो यहां पर यह कहा जा रहा है भाई अगर आपकी लेबर बहुत अच्छा प्रोडक्शन वहां पर कर रही है तो उस प्रोडक्शन का जो मेजर जो बहुत बड़ा जो शेयर होता है जो हिस्सा होता है उसको क्या किया जाता है उसको लेबर को दिया जाता है ठीक है उस प्रोडक्टिविटी गेन का जो बहुत बड़ा हिस्सा या सहारा होता है वो लेबर को मिलता है गेट मतलब उनको प्राप्त होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई लेबर को सिर्फ उनकी वेजेस मिलती हैं ठीक है और प्रोडक्टिविटी गेन का तो मतलब शेयर तो छोड़ो आप लोग मेजर शेयर की बात हो बहुत बड़ा शेयर मिलता है तो मेजर शेयर के कॉन्टेक्स्ट में दिस स्टेटमेंट्स बिकम्स रोम स्टेटमेंट टू क्या कहती है पार्शियल मतलब थोड़े दिनों के लिए थोड़ी देर के लिए काम को जब रोक दिया जाता है बाय वर्कर्स ठीक है जो वर्कर्स हैं जो लेबर है उनके द्वारा तो इसको क्या कहा जाता है इसको स्ट्राइक कहा जाता है ऐसा ही तो होता है भाई आप अपनी बात मनवाने के लिए अपनी सैलरीज बढ़वाने के लिए अपनी वर्किंग कंडीशंस को बेटर बनवाने के लिए आप क्या करते हो आप स्ट्राइक करते हो भाई आप कुछ टाइम के लिए या कुछ दिनों के लिए काम को रोक देते हो तो इसको क्या कहा जाता है इसको स्ट्राइक कहा जाता है तो स्टेटमेंट गई टू राइट तो स्टेटमेंट टू राइट होगी और वन फॉल्स होगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि मेजर शेयर नहीं मिलता उनको ठीक है हो सकता है बेचारों को वेजेस भी टाइम पर ना मिले तो आप प्रोडक्टिविटी गेन के मेजर शेयर की बात तो मतलब हम कैसे कर सकते हैं तो स्टेटमेंट वन इज रोंग और टू इज करेक्ट तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठीक है तो देखो ये तो अब तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये आप लोगों के पेपर टू के अंदर आए थे लेकिन पेपर थर्ड के अंदर आप लोगों के जो क्वेश्चन आए थे उनको अब हम लोग डिस्कस करेंगे और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप लोगों ने पेपर टू के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर थर्ड के अंदर पेपर टू वाले क्वेश्चंस में से और यू कैन से सेम कंसेप्ट में से उठाए हुए थे जैसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा आप लोग खुद कहोगे देखो च वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है उसको दो टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करना होता है एक तो हो गया मैनेजरियल ध्यान से सुन लो हो सकता है इसके अंदर आप लोग को इंट मिल जाए क्वेश्चन को सोल्व कर दो मैनेजरियल फंक्शन जिसमें आते हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सेकेंड होता है ऑपरेटिव फंक्शन जिसके अंदर आते हैं आप लोग का मेंटेनेंस हो गया रिकॉर्ड एंड रिसर्च हो गया ठीक है प्रोक्यूरमेंट हो गया डेवलपमेंट हो गया मेंटेनेंस हो गया तो ये आप लोग के आते हैं ऑपरेटिव के अंदर तो एक एच मैनेजर को दोनों ही फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है तो ऑपरेटिव फंक्शन आर डिफरेंट और मैनेजर फंक्शंस ये अलग होते हैं ऑपरेटिव से तो अब आपको बताने कि इनमें से कौन सा फंक्शन ऑपरेटिव नहीं है मीन्स अगर वो ऑपरेटिव नहीं है तो उसके पूरे पूरे चांसेस है दैट फंक्शन कैन बी मैनेजरियल फंक्शन ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑप्शन बी कंट्रोलिंग ऑप्शन सी कॉम्पनशेशन इसका मतलब होता है रिमुनरेशन मतलब जो भी उन्होंने काम किया उसके लिए आपने उनको सैलरी पे कर दी और डी इज इंटीग्रेशन ठीक है मतलब ऑब्जेक्टिव को इंटीग्रेट करना सो देट उन सभी ऑब्जेक्टिव से आप मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओ तो डेवलपमेंट जो है ये ऑपरेटिव फंक्शन है कॉम्पनसेट करना ऑपरेटिव फंक्शन है इंटीग्रेशन करना ऑपरेटिव फंक्शन है लेकिन कंट्रोलिंग जो है ये ऑपरेटिव फंक्शन नहीं है कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड दैट इज कंट्रोलिंग तो ये मैनेजरियल फंक्शन है ठीक है तो आ, आप लोगों को बताना था कि इनमें से ऑपरेटिव फंक्शन कौन सा नहीं है लेकिन अगर एग्जामिनर आप से पूछ लेता कि ऑफ़ द द फॉलोइंग ऑपरेटिव फंक्शन तो कहीं ना कहीं आपको तीन दे दिए जाते कही, क्योंकि उस टाइम पे आपसे पूछा है, कौन सा है तो तीनों होते लेकिन अभी पूछा नहीं है तो कंट्रोलिंग मैनेजर है ना कि ऑपरेटिव है नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन सिक्वेंस ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग प्रोसीजर ठीक है इनमें से कौन सा जो सीक्वेंस है देखो ये जो क्वेश्चन है आई थिंक ये आप लोगों से गलत पूछा गया इन द एग्जाम इसमें टोटली आप लोगों को ये बताना है पर्सोनल मतलब होता है भी आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है आपके जो एम्प्लॉज है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का जो प्रोसीजर होता है जो एक प्रोसेस होती है उसके अंदर जो भी स्टेप्स होते हैं उन सभी स्टेप्स को यहां पर दिया गया है और आपको उन सभी स्टेप्स को एक राइट right सिक्वेंस में लगाना है दैट्स ऑल ठीक है तो देखो सबसे पहले है इंस्ट्रक्टर प्रेपरेशन भाई सबसे पहले यहां पर क्या किया जाएगा इंस्ट्रक्टर जो है मैं आप लोगों के साथ सोल्व कर रही हूं इस क्वेश्चन को इंस्ट्रक्टर अपने आप को प्रिपेयर करेगा अपने कंटेंट को प्रिपेयर करेगा फिर उसको क्या क्या आज प्रोवाइड करना है ट्रेनिंग के अंदर ठीक है और साथ ही वो अपना लेसन प्लान बनाएगा कि भाई आज क्या उसको ट्रेन करना है कल एम्प्लॉय को क्या सिखाना है उसके बाद वहां पर वो क्या करेगा उसके बाद वो प्रेजेंट द टास्क वो फाइनली टास्क को प्रेजेंट करेगा भाई आज आप लोगों का टास्क ये है और आपको ये टास्क करना है वो टास्क के थ्रू उनको चीजें सिखाएगा तो अगर आपको इस पूरी की पूरी पर्सनल ट्रेनिंग प्रोसीजर के स्टेप्स नहीं पता थे तो आप सिर्फ स्टार्टिंग के दो स्टेप्स को भी यहां पर श्योर करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे क्योंकि अगर आप ध्यान देखें ध्यान से देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए के अंदर पहला जो पॉइंट है चलो ये तो सी के अंदर भी था पहला लेकिन सेकंड जो स्टेप है दैट इज प्रेजेंट द टास्क वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगर आप किसी क्वेश्चन पर श्योर हो और वह सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है तो आप उसको आंसर फिल कर दो भाई ठीक है तीसरा क्या होगा आपने जो भी उनको टास्क प्रेजेंट किया खुद से करके फिर वो सभी उस टास्क को उस परफॉर्मेंस को ट्राई करेंगे ठीक है उसके बाद फिर आप लोग का यहां पर क्या हो जाएगा फोर ट्रेनिंग प्रेपरेशन और फिर बाद में सबसे क्या होगा वो उसको फॉलो अप करेंगे ठीक है वो उसको फॉलो अप करें मतलब जो भी उनको ट्रेनिंग सिखाई गई बाद में अपने काम में वो उन सभी प्रोसीजर्स को उन सभी टास्क को उन जो भी उन्होंने चीजें सीखी उनको फॉलो करते जाएंगे मतलब उनको फाइनली इंप्लीमेंट करते जाएंगे अपनी जॉब के अंदर सो दिस विल बी आवर करेक्ट सिक्वेंस ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग प्रोसीजर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ंडर विच मैथड इनमें से कौन से मैथड में या कौन सी टेक्निक में परफॉर्मेंस अप्रेजल परफॉर्मेंस अप्रेजल के कुछ मैथड दिए गए हैं आपको लाइक ग्रेडिंग इज वन ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल मैथड पर्सन टू पर्सन कंपेरिजन मतलब आपने पहले ए को बी के साथ कंपेयर किया फिर ए को सी के साथ किया फिर बी को सी के साथ कंपेयर किया तो आप पर्सन टू पर्सन कंपेयर करो दीज ऑल आर द मैथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल लेकिन आपको चूज करना है कि इनमें से वो परफॉर्मेंस अप्रेजल का कौन सा मेथड है जिसमें वन पर्सन मतलब एक पर्सन को कंपेयर किया जाता है बाकी सभी के साथ. Person person के साथ साथ ऐसा नहीं पर्सन पर्सन टू कंपेयर किया ए को बी बी यहां पर ए को मान लो सो एम्प्लॉज कंपनी के अंदर काम करते हैं तो आप ए को बाकी के निन्यानवे एम्प्लॉज के साथ कंपेयर करोगे ठीक है दैट इज ये आप लोगों से पूछा गया तो वो कौन सा मेथड है जिसमें आप एक पर्सन को बाकी सभी पर्सन के साथ क्या करते हो कंपेयर करते हो फॉर द पर्पज ऑफ और आप ये क्यों कंपेयर करते हो इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है फॉर प्लेसिंग दैम इन सिंपल ऑर्डर ऑफ वर्क ताकि भाई आप उनको प्लेस कर पाओ कि कौन सा पर्सन कौन से काम के लिए फिट रहेगा उस ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए तो उस मेथड को क्या कहते हैं जिसमें एक पर्सन को बाकी सबसे कंपेयर किया जाता है ऑप्शन ए ग्रेडिंग ऑप्शन बी पर्सन टू पर्सन कंपेरिजन ऑप्शन सी रैंकिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो इसको कहा जाता है यहां पर रैंकिंग रैंकिंग में ऐसा होता है जब आप एक पर्सन को बाकी के सभी लोगों के साथ क्या करते हो कंपेयर करते हो देखो ग्रेड के अंदर तो वैसे भी पॉइंट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते वहां पर तो आपको ग्रेड दी जाती है जैसे आजकल स्कूल्स वगैरह में भी सिस्टम हो गया तो रैंकिंग इज द मैथड जिसमें आप एक पर्सन को बाकी सभी एम्प्लॉयज के साथ कंपेयर करते हो फॉर द पर्पज ऑफ प्लेसिंग दैम इन अ सिंपल ऑर्डर ऑफ वर्क नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल प्रोसीजर दैट शुड बी कंसिडर्ड फॉर द कलेक्टिव बार्गेनिंग इनमें से कौन सा जो मैथड है वो फंडामेंटल प्रोसीजर का नहीं है दैट शुड बी कंसीडर्ड फॉर द कलेक्टिव बार्गेनिंग ठीक है मतलब सीधा सा ये है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर आप इनमें से कौन सा मेथड यूज नहीं कर सकते कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब मैंने आप लोग को समझाया था इसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय employee और एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर जो होते हैं भाई वो बार्गेन करते हैं कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ और फाइनली वो एक ऐसे पॉइंट पर एग्री हो जाते हैं जिस पर दोनों मानते हैं दोनों म्यूचुअल वहां पर एग्री हो जाते हैं तो दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर भी कुछ और मैथड्स का यूज किया जाता है तो आपको बताना इन इनमें से वो कौन सा मैथड नहीं है पॉइंट ए प्रेनोगेशन फेज पॉइंट बी सिलेक्शन ऑफ नेगोशिएटर ठीक है और ऑप्शन सी टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ बार्गेनिंग इस क्वेश्चन को एक बार एक चीज और समझ लो कि आप लोगों के तीनों ही यहां पर कलेक्टिव बारगेनिंग के मेथड्स हैं। तो आप नोट का जवाब कैसे दोगे देखो अगर यहां पर नन ऑफ दी अबो की जगह अगर ऑल ऑफ दीज होता ना ऑल ऑफ दीज यहां पर आप लोगों को मिलता ही नहीं क्योंकि ऑल ऑफ दीज का मतलब हो जाता कि हाँ ये सभी कलेक्टिव बार्गेनिंग के मेथड्स नहीं है या इन सभी की हेल्प से आप कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं कर सकते अपने एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयर के साथ तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई ठीक है इनमें से ये कहा गया कि ये सारे ही है कलेक्टिव बारगेनिंग के तो इसलिए आप लोगों का यहाँ पर आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबो नन ऑफ अबो इज नॉट ठीक है तो जब आपका आंसर तीनों हो तो उस केस में आप लोगों का नन ऑफ अबो यहां पर आंसर हो जाता है नेक्स्ट है थर्टी फाइव क्वेश्चन एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ आप लोगों को इसका आंसर क्या लगता है फटाफट से बताओ देखो assertion क्या कह रहा है द फर्म मस्ट गो टू द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लोअर एंट्री जॉब भाई जो बहुत ही लो जॉब होती है कंपनी के अंदर जिनकी कोई इतनी वैल्यू भी नहीं होती कंपनी के अंदर भी आज एम्प्लॉई जा रहे है तो कल हजारों एम्प्लॉय की जगह आ सकते हैं तो जो लोअर एंट्री की जो जॉब्स होती है उनके लिए कंपनी जो है भाई वो एक्सटर्नल सोर्सेज पर क्या रहती है डिपेंड रहती है आप लोगों ने कभी एक चीज देखी है कंपनी के अंदर जो मैनेजर और सीओ होते हैं वो कंपनी के इंटरनली ही जो काफ़ी सालों से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हीं को हायर पोस्ट पे प्लेस किया जाता है प्रमोट किया जाता है लेकिन कभी आपने देखा है कि कंपनी के बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए आप बाहर से बंदा लेकर आ रहे हो नहीं वो कंपनी के अंदर सालों से काम करा आप उसी को हायर पोस्ट के लिए प्रमोट करते हो क्योंकि उसने कंपनी के अंदर बहुत टाइम से काम किया उसको कंपनी के बारे में ईच एंड एवरी फंक्शन और इन्फॉर्मेशन का पता है तो जो लोअर एंट्री की जॉब्स होती है उनके लिए आप एक्सटर्नल सोर्सेज पर मतलब बाहर से आप एम्प्लॉय को लेकर आ सकते हो लेकिन जो हायर रैंकिंग की जो जॉब्स होती है उनमें आप इंटरनली ही रिक्रूटमेंट करते हो तो असरसन बिल्कुल सही कहा गया लोअर एंट्री जॉब के लिए आप एक्सटर्नल सोर्सेज पर क्या रह सकते हो आप मतलब भरोसा कर सकते हो रीजन क्या कह रहे हैं फोर पोजिशन वेयर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन लेकिन वो पोजिशंस वो जॉब्स जहां पर आपको क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जरूरत है और एक्सपीरियंसड कैंडिडेट्स की जरूरत है भाई वो कई बार एक्सटर्नल सोर्सिस से मिलने मुश्किल हो जाते हैं तो क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय के लिए आपको अपने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पर ही डिपेंड रहना पड़ता है ठीक है तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है हमारी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगी भाई आप लोअर पोस्ट के लिए डिपेंड रह सकते हो एक्सटर्नल सोर्सेज पर लेकिन जो पोजीशंस जिनके लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड चाहिए भाई वो आप एक्सटर्नल सोर्सेज से आप नहीं ले सकते ठीक है वहां पर वो मैच नहीं करेगा तो दोनों ही असरसन और रीजन आर करेक्ट द पर्पज ऑफ जॉब इवेल्यूएशन इज भाई आप एक जॉब की वैल्यू क्यों निकालना चाहते हो आप एक जॉब की वैल्यू को क्यों पता करना चाहते हो क्यों उसको इवेल्यूएट करना चाहते हो मैंने आप लोगों को एक दिन एक बात बताई थी परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो मैन के लिए होती है ह्यूमन के लिए होती है और जो भी वैल्यूएशन जो होती है वो जॉब के लिए होती है ठीक है ऑप्शन है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई आप जिम्मेदारी फिक्स कर सको भी आपको ये काम करना है आपकी ये टास्क है प्रमोशन के लिए ताकि आप प्रमोट कर पाओ आप लोगों को यह नहीं लगता कि फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोमोशन और ट्रांसफर ऑफ बेटर जॉब जो है कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट है हुँ? भाई आप किसी के परफॉर्मेंस को देख के डिसाइड करोगे उसको क्या जिम्मेदारी देनी है उसको प्रमोट करना, करना है या डिमोट करना है उसको उसकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है लेकिन वो फिलहाल लोअर जॉब पे काम कर हैं तो आप उसको बेटर जॉब पे ट्रांसफर करोगे तो जॉब की वैल्यू से पता चलता है कि इस जॉब की वैल्यू कितनी है और जॉब की वैल्यू से ही आप उस पर काम करने वाले एम्प्लॉय की वेज को मतलब उसको कितना पैसा देना है वो आप डिटरमाइन करोगे तो जॉब वैल्यूवेशन का पर्पज होता है वेज को डिटरमाइन करना मतलब डिसाइड करना ठीक है तो ऑप्शन सी इज द पर्पज ऑफ जॉब इवेल्यूएशन ठीक है तो इसी के साथ आज के जो हमारे क्वेश्चन है पेपर टू और पेपर थर्ड के जो कि जून 2012 वाले ये आप लोगों के आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं सो आई होप ये जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए आप लोगों को समझ में आएंगे स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इन सभी क्वेश्चन को लेकर देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन और आप लोगों को जो डाउट्स uh, के जो आंसर होंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं लेकर आऊँगी ठीक है तो हम 2020 तक के हमारे जितने भी पेपर हुए हैं कॉमर्स के तो उन सभी को सॉल्व करेंगे और इन सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि औरों को भी हेल्प मिले एंड वन मोर थिंग अगर आप इन सभी क्लासेस की पी चाहते हैं मीन्स आपने क्लास से पढ़ लिया उसके बाद आप पी को भी एक बार थोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो इन सभी पी को हमारा टेलीग्राम चैनल है ठीक है यूजीसी क्लासेज बाई एग्जाम्पुर मीन्स जो यूट्यूब चैनल का नाम है सेम वही आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे तो वहां पर आप लोगों को इन सभी क्लासेस के नोटिफिके आ, फाइल पी फाइल वहां पर मिल जाएगी ठीक है तो इसी के साथ चलिए आज की क्लास को हम करते हैं एंड और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर सो टिल देन हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर